तपासून घेईल, जे काही निकष आहेत, इतर जे काही निर्णय झालेले असतील, आणि या सगळ्यांवर पुढे निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. शिंदे साहेब, मला आताच त्याच्यावर काही भाष्य करणं उचित वाटत नाही. जसे जसे पुढे निर्णय होतील तसे आपल्याला माहित पडतील. ज्यांनी असं म्हटलेलं आहे त्यांचीच बाजू अशी होती की सुप्रीम कोर्टाने हा विषय निवडणूक आयोगाकडे पाठवू नये, परंतु सुप्रीम कोर्टाने त्यांची मागणी फेटाळली, स्थगिती मागितली होती ती दिली नाही आणि हा विषय निवडणूक आयोगाकडे पाठवलेला आहे. त्यामुळे मला काही सांगण्याची आवश्यकता नाही. सगळ्या जनतेला माहीत आहे की निर्णय सुप्रीम कोर्टाने काय दिलेला आहे, त्याचं आम्ही स्वागत. शिंदे साहब, इन्हें बताइए कि आज जो फैसला आया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आज का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैं उसका स्वागत करता हूं. अरे बंद कर. इस देश में लोकशाही है, लोकशाही में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, लॉ है, सब कुछ है और उसके मुताबिक ही निर्णय होते हैं. हम लोगों ने जो शिवसेना बीजेपी का सरकार बनाया है वो कानूनी तौर पर सभी नियम उसके इस्तेमाल कर नियमों का उल्लंघन हम लोगों ने नहीं किया, कोई भी गैर कानूनी काम हम लोगों ने नहीं किया, ये हम लोग पहले भी बार बार बता चुके हैं. और इसीलिए जो विपक्ष की मांग थी कि जो ये जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मैटर जो है वो निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोग के पास ना भेजा जाए, उसे स्टे दिया जाए, लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट ने उनको नकार दिया है और ये जो मैटर है ये निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोग के पास भेज दिया है. इसका मतलब साफ है और इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं. सर, सर आदित्य ठाकरे का बयान आया है कि शिंदे गढ़ को जो है इसमें राहत नहीं मिली है. अभी फिर किसको राहत मिली? उनको मिली जब उन्होंने मांग की थी ये जो मैटर है, ये जो इशू है वो निवडणूक इलेक्शन कमीशन को ना भेजे, इसके ऊपर स्टे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं सुना, उनको नकारा है. हम लोग कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम गैर कानूनी काम करने वाले लोग नहीं हैं. इसीलिए तो ये राज्य की जनता हमारे पास जुड़ गई है. इसलिए आज मैं फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता. क्या आगे भी जीत होगी बाकी दूसरे मामलों में? ये पहला टप्पा है, आगे आगे जैसे होगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन हमारी सरकार जो है सर्व सामान्य लोगों को न्याय देने वाली सरकार है और इसलिए सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं. धन्यवाद.